और नहीं, अब और नहीं। क्या क्या हुआ? टेस्ट नेगेटिव है, मैं प्रेग्नेंट नहीं। मुझे तो लगा था कि ये सुन के कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हुआ आप खुश हो जाएंगे। पता नहीं एक रात में मैं इतना कैसे बदल गया अनिक। तुम्हारी प्रेगनेंसी वाली न्यूज सुनते ही ना जैसे मेरे सारे हेजिटेशन, सारे सारे डर गायब हो गए। और हाँ, ये नेगेटिव न्यूज सुनकर मुझे मुझे खुश होना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों मन ही मन में सोच रहा था कि शायद शायद ये सच है। इस ख्याल से कि यू आर प्रेग्नेंट, आई वाज फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैं सपने देखने लग गया था अनिका कि हमारी छोटी अनिका हो कि वो भी तुम्हारी तरह खिड़की तोड़, यू नो, मिनी खिड़की तोड़, और वो तुम्हारी तरह अजीब किस्म की लैंग्वेज बोलेगी। सब प्लान कर लिया था मैंने, उसको रात को मैं सुलाऊंगा, बेड टाइम स्टोरीज पढ़ के, क्रिकेट भी मैं खिलाऊंगा, और जब वो बड़ी होगी ना तो उसे ड्राइविंग मैं सिखाऊंगा, और उसका बॉयफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं होगा उसे, उसकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ना सब मैं पूरी करूंगा। तो पूरी रात बैठ के आपने उसे बिगाड़ने की प्लानिंग की है। सब समझती हूँ मैं, आप ना वो शिव वाले कूल डैडी बन के उसके फेवरेट बनते, और मैं बनती वो स्ट्रिक्ट कड़क वाली मम्मी। हाँ, वो हाँ, आपकी यही प्लानिंग थी। काश, मैं समझ गई कि कुछ खुशियां ना जब आनी होती है तभी आती है, और वो सही कहते हैं कि अच्छी चीजों को वक्त लगता है। अरे अनिका भाभी, भव्या, ओ गौरी भाभी, दादी जल्दी आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? क्या हुआ? एक गुड न्यूज है फिर से। अरे नहीं नहीं, याद है भैया का वो छपरी डांस? तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? काफी वायरल हुआ था ना वो, और उसके वायरल होने की वजह से भैया की जो वो जापानीज लोगों के साथ डील थी वो टूट गई, एंड भैया वाज लाइक जब डील ही टूट गई तो जी के क्या करूं। हां ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो मेरे वजह से डील टूटी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हो गया वो डील टूट गई, अगर वो डील नहीं टूटती तो भैया को उससे बड़ी डील नहीं मिलती। क्या बात कर रहा है भैया, बड़े डील वाले हो गए। अरे गुड न्यूज ये है कि भैया जापानीज कंपनी के साथ मिल गए एक नया फोन लॉन्च करने वाले हैं। रियली? बड़े भैया जो फोन तोड़ते थे अब फोन बनाएंगे। सही। एक्सक्यूज मी, क्या क्या हो रहा है? खबर पता चल गई। हां रुद्र सही कहता है, तू सच में सुपर हीरो है। घर, बिजनेस, फैमिली, सब कुछ इतने परफेक्टली कैसे हैंडल कर लेता है? दुनिया की बेस्ट फैमिली जो है मेरे पास। पर मेरे पास दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान। अब क्या प्लान है इसका? क्या प्लान? क्या है? आओ बताता हूँ। सेटल हो गए। पार्टी? हाँ पार्टी तो बनती है ना, और वैसे भी भैया मैं अभी तक वो सिद्धि माई और बच्चे वाले ड्रामा से बाहर नहीं आया, तो पार्टी होनी चाहिए। बिल्लू, तूने ओबेरॉय खानदान का नाम सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी ऊंचा किया है। तुम्हारी तरक्की को किसी की नजर ना लगे। कांग्रेचुलेशंस आपको भी। हाँ, जो थी क्या बात है? कुछ नहीं, बस दादी को देख रहा हूँ, कितनी खुश लग रही है ना, और उनकी आंखों में जो गर्व की चमक है ना, वो मैं उन्हें कभी नहीं दे पाया। मैं कभी कुछ ऐसा नहीं कर पाया जिससे मुझे दादी आके कहे कि ओम बेटा मुझे मुझे तुझ पे बहुत गर्व है। मैं जानता हूँ शिवाय सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं, बहुत अच्छे से, घर,
बिजनेस, फैमिली, हम तीनों भाइयों की जो जिम्मेदारी है ना, वो अकेले बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं, लेकिन एक भाई होने के नाते मुझे मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि काश मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे बड़े भाई के कंधों से थोड़ा सा बोझ, बस थोड़ा सा बोझ कम हो जाए, कुछ ऐसा कर पाऊं जिससे मेरी फैमिली का नाम रोशन हो, मेरा परिवार मुझे कह सके कि ओम, वी आर प्राउड ऑफ यू। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपने परिवार का नाम रोशन कर तो रहे, आपकी कला के और आपके हुनर के लोग कितने दीवाने हैं। पीछे रह जाएगा वो दुनिया की इस रफ्तार में, हुनर किस काम का जो बिकता नहीं बाजार में। आप देखना, एक दिन आपका हुनर एक दिन हर किसी के सर चढ़ के बोलेगा। एक दिन she's right on। तुझे पता है वो आर्टिस्ट है जो अच्छा भी है और सच्चा भी, और तेरे यही अच्छाई तेरी कला में झलकती है, और यही तुझे दूसरे आर्टिस्ट से अलग बनाती है। नहीं, I'm very sure, अब वक्त आ गया है जब पूरी दुनिया भी ये जानेगी कि हमारा ओमकारा दुनिया का अव्वल दर्जे का आर्टिस्ट है। And it'll happen. एक दिन, I have an announcement to make. Sure. Okay, I have an announcement. क्या हो क्या? You know what, Rudy सही कह रहा। मोबाइल डील की खुशी में वी मस्ट हैव अ पार्टी, और इसी पार्टी के चलते मैं हमारे ब्रांड एम्बेसडर को इंट्रोड्यूस करूंगा। वो कौन है आप? अभिमन्यु रहेजा, नाम सुना है? अभिमन्यु रहेजा, द सुपरस्टार अभिमन्यु रहेजा। अरे ये ऊंची रोटा तो हमें इतना पसंद है, हम बहुत बड़े फैन हैं उसके एक्टिंग के। अरे अभिमन्यु रहेजा तो हमें भी बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा, हम उसके बहुत बड़े फैन हैं। सलमान खान के बाद कोई अच्छा लगा है ना तो वो है अभिमन्यु रहेजा, हमने सारी फिल्में देखी है भाई। एक मिनट भाभी, शादी शुदा है वो, उसकी बीवी, और उसकी बीवी का नाम है रोशनी रहेजा। तो चल, एक मिनट क्या कहा? रोशनी रहेजा। हैं यार, शील कम टू फोन देखो। शिवा पता है ये कौन है? इंडिया की सबसे बड़ी आर्ट कलेक्टर है, एंड शी इज कमिंग हियर। दैट्स सच अ ग्रेट कोइंसिडेंस। एक काम करते हैं, पार्टी के साथ साथ तू अपनी आर्ट एग्जिबिट भी करना। यू नेवर नो यार, आई मीन अगर रोशनी रहेजा ने तेरी आर्ट में इंटरेस्ट दिखाया, इट कुड जस्ट बी अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। That's a great idea. और भैया हम एक काम कर सकते हैं, हम ओम भैया की एग्जीबिशन बाहर पूल साइड पे रखेंगे तो और आर्टिस्टिक लगेगा। That's even a great idea. Perfect. ये सब तो ठीक है, पर पार्टी की थीम क्या होगी? You know अभिमन्यु रहेजा की ना एक नई फिल्म आ रही है, it's a musical set in the 70s, so it could be anything from the 70s. ये सब इतने थकेले क्यों? इतना
सारा सन्नाटा है। अब हम आ गए हैं ना, पार्टी में जान भी आ जाएगी। ओके नो 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 नो, आई गेट इट। मुझे आगे का प्लान बताओ। तो कर लो बात। आशा पारेख बनके मैंने पूरा गाना गा दिया, लेकिन मिस्टर तड़ीपास पाकड़ बिल्ले ने एक बात मेरी तारीफ नहीं की। आप आपको मेरी तारीफ करनी पड़ेगी। ओके डन, व्हाई डोंट यू गिव मी द एंटायर लोड। हां बताओ बताओ। सॉरी नहीं, बता दे रहा हूं, आई एम देयर, आई एम विद यू। ओके दैट्स गुड। हम्म, ओह लवली, सुपर, परफेक्ट, फैबुलस। फोन ना हो गया, मेरा सौतन हो गया। इसे तो सिलपट्टे में पीस के ना इसकी चटनी। या ओके, चटनी बना दूंगी मैं। हां 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 हां, ओके या 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 ओके। यस यस यस। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? नहीं तुमसे नहीं बोल रहा मैं, ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। एक सेकंड। हील्स में चला नहीं जाता है तो हील्स पहनती क्यों? गिरती रहती। गिरने से याद आया कि कन्फेटी ब्लास्ट टाइम पे होना चाहिए। ऑलराइट, सुपर आइडिया। ओके दैट्स परफेक्ट। हां कूल। आप बोलेंगे कि अनिका, ये क्या हरकत है अनिका, मुझे अपनी सेल्फी क्यों भेज रही है? तो क्या कटरीना कैफ की सेल्फी भेजूं? मतलब हद है शिवाय, मैंने आशा पारे के कपड़े पहन लिए, हेलन आंटी का डांस भी कर लिया, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द मेरी तारीफ नहीं निकली। क्या जीएसटी लगता है क्या? ओह ये बात है, नाइस। आप मेरी लंबी चौड़ी तारीफ कीजिए, देखिए कितना मैंने इतना हैड डू किया है, देखिए। कमाल, मुझे पता ही था। कमाल है। अनिका तारीफ तो उसकी की जाती है ना जो तारीफ के लायक। मेरी तारीफ ही क्यों करेंगे? बताइए, अब तो हमारी शादी हो गई है और शादी के बाद तो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना। एक मिनट, पहले तो मैं कुछ भी पहनती थी, तब भी मैं आपको एकदम एकदम टकाटक और खिड़की तोड़ लगती थी, लेकिन अब तो मैं तैयार भी होती हूँ, घंटों लगा देती हूँ, तब भी मैं आपको तैयार नहीं दिखती। वाह, घंटों बाद ये, आई मीन सच में मुझे लग रहा है कि तुम तैयार ही नहीं हुई हो। यू कैन डू बेटर, कीप ट्राइंग। सच में मुझे ऐसा लग रहा है, ये जो आपने मोटे मोटे 2 रुपए के चश्मे पहने ना, उससे आपकी आंखें खराब हो गई हैं। भिंटे जो जो भी हो, आप ना पहले अपनी आंखें चेक कराइए। मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी, शिकायत करनी नहीं है मुझे। हील्स, वी वेरी हैप्पी टू शेयर कि हमारे नए मोबाइल ब्रांड के फेस होंगे मिस्टर अभिमन्यु रहेजा। ओबरॉय इंडस्ट्रीज, स्पेशली शिवाज शाही ओबरॉय के साथ एसोसिएशन, मेरे लिए भी प्राइड और काफी खुशी की बात है। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस एसोसिएशन। थैंक यू। इट्स वंडरफुल टू हैव यू अभिमन्यु। वैसे मुझे पता है आप सबके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन उन सबके जवाब हम पार्टी के बाद देंगे। तब तक जस्ट एंजॉय द पार्टी, ओके? दैट्स द बार, एंजॉय योरसेल्फ्स गाइस। जी, हमें तो लगता था कि वो कैमरा, मेकअप और लाइट का कमाल होता है, पर अभिमन्यु जी तो असल जिंदगी में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे उनकी वाइफ भी कुछ कम नहीं है। आपको पता है वो बहुत बड़ी आर्ट प्रमोटर होने के साथ साथ एक बहुत ही बड़ी इंटीरियर डिजाइनर भी है। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ना एक दूसरे के लिए बने, मतलब कितने प्यार में हैं ये लोग। और मेरे शिवाय को देखो। क्या टूटी जानी है? अरे हे भगवान, मैं ये कह रहा था कि उसका बाइसेप 16 इंच का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। मेरा बाइसेप देखो। साबित क्या करना चाहते हैं? मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मेरा बाइसेप 18 इंच का है और उसका सिर्फ 16 इंच है। यकीन यार, टच माय बाइसेप ब्रो, टच इट। स्टॉप इट, स्टॉप एम्बैरेसिंग मी। एम्बैरेस तो हो गई ना, 12 इंच ज्यादा का बाइसेप नहीं तो एम्बैरेसमेंट तो होगी। जिम तो गए ही नहीं हो तो मेरे बाइसेप बनेंगे नहीं, तो मेरी छोड़ अपनी बात कर, है ना? मैं तब से अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरा बाइसेप 18 इंच का, मेरी बॉडी उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। ठीक है, लेकिन लोग उसी को टेंशन दे रहे हैं। देख कैसे घेर के खड़े हुए हैं, तेरी तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख रहा है। एंजॉय। बहुत हो गया, अभी बताता हूँ इसको, मेरी लाइमलाइट इसे छीनने नहीं दूंगा। हे अभिमन्यु, पार्टीज, आई वांट यू टू मीट माय फैमिली। या या श्योर। ओम मेरा भाई। हाय
ओम अभिमन्यु रोशनी दैट्स अनिका माय वाइफ दैट्स गौरी ओम की वाइफ एंड भव्य रूडी की वाइफ नाइस टू मीट रूडी रूडी कहाँ है ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।